एमएस एक्सेस के अंदर में हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स के ऊपर। तो बेसिकली फॉर्म क्या है एक बार समझते हैं, बेसिक फॉर्म को समझते हैं, उसके बाद आगे चले हैं। देखिए कोई डेटा है राइट, अब डेटा की जो एंट्री है वो एंट्री कैसे हो डिसाइड करते हैं। नॉर्मली हम जाके हाँ एंट्री तो कर सकते हैं ना सर, लेकिन नॉर्मल एंट्री करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो डेटा है ना वो कोई भी डेटा वो छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार हमें देखना होता है, हमें एंट्री करनी नहीं होती है, उस केसेस में हम जो है फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि टेबल के अंदर डेटा एंट्री कैसे हो, सो उसके लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए डीटी है, दिख रहा है आपको, या डीटी वन भी है और डेटा भी है और ये देखिए सीटी टेबल्स भी है, दिख रहा है सर। तो ये फॉर्म कैसे बनाएं, इस पे डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म कैसे बनाएं, तो चलिए हम सीटी डीटी वाले फॉर्म जो उसी को देखते हैं राइट। तो जिस टेबल के ऊपर फॉर्म बनाना है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म आता है, जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ जाएगा। अब इसकी जो साइज है यहां से कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कुछ भी करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो टेबल दिख रहा होगा यहां से, दिख रहा है ना सर, तो इसी के अंदर आएगा, कुछ और इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ बटन्स वगैरह डिजाइन करना हो, जैसे कि मुझे न्यू फील्ड के लिए बटन डिजाइन करना है तो मैंने यहाँ पे बटन डिजाइन किया, बट प्रॉब्लम है कि जैसे बटन डिजाइन करती है आपको कहीं भी बटन डिजाइन नहीं कर सकते। अब बटन डिजाइन जब भी होगा वो इसी टेबल के अंदर में हो, तो रेंज के उस अंदर केस में हम आपको होगा सलाह देंगे कि आप बटन वगैरह यहां से डिजाइन ना करें, यहां से तो क्लोज कर, क्लोज कर लिए DT1 के नाम से। अब इस DT1 को राइट क्लिक करके चले जाएं लेआउट में, कहां पे डिजाइन, जैसे डिजाइन व्यू में जाएंगे ना, यहां आपके लिए ये रहता है कि आप जो मर्जी से कर सकते हैं। तो यहां मैंने बटन लिया और डिजाइन कर दिया, डिजाइन किया, डिजाइन करते ही पॉपअप आया, ठीक है कंट्रोल। तो इसके कंट्रोल में हमने क्या किया, हमें करना है रिकॉर्ड ऑपरेशंस, जिसमें हम ऐड न्यू रिकॉर्ड लिए, नेक्स्ट किए। अब यहां पे आप जो ऐड रिकॉर्ड या पिक्चर्स, यहां देखिए बटन में सिंपल दिख रहा है, यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं यहां से फॉर्म क्लोज करता हूँ सेव करते हुए, और फिर यहाँ DT1 को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे ही न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे पूरा ब्लैंक हो जाएगा, जो भी हो एंट्री कीजिए एंट्री जाएगा करने के बाद वापस ऐड रिकॉर्ड कीजिए, वापस ब्लैंक हो जाएगा और आपके डेटा में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं एक एंट्री करते हैं यहाँ पे, जैसे कि नेम, नेम में हम लिखते हैं उदय राज सिंह, सिटी यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये मेरा नंबर है, नंबर दे दिया मैंने। कोर्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, हमने सिलेक्ट कर लिया। और देखिए जैसे टेबल में ड्रॉप डाउन होगा तो यहाँ भी अपने आप ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, ठीक है, जी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डेट है, टेबल में डेट सिलेक्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेंडर का आ जाएगा। जी यहाँ पे रिमार्क्स लिखिए, यहाँ पे और भी जो है पे स्लिप वगैरह कुछ करना है, जैसे पिक्चर वगैरह ऐड करनी है मुझे, यहाँ तो पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जी और यहां से जैसे ऐड रिकॉर्ड करेंगे ये देखिए DT पे चला जाएगा। DT देखिए उधर आज सिंह का पूरा आ गया डेटा, इंटीगर जी ठीक है। तो ये नॉर्मल जी फॉर्म जो होता है उसके बारे में समझ गए। जी उसके बाद आता है डिजाइन फॉर्म। डिजाइन फॉर्म के अंदर आप अपने हिसाब से जो रखना चाहे रख सकते हैं, हालांकि आप एग्जिस्टिंग फील्ड को भी उठा कर रख सकते हैं। जैसे शो ऑल टेबल में हमने DT को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहां से हम अपने फील्ड उठा के रखना है कि आईडी यहाँ, अब यहाँ पे इसको अपने हिसाब से जहां अरेंज करना है अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नए फील्ड ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, पर यहाँ आपको फ्रीडम होता है, जो आपको जैसा मर्जी ऐसा डिजाइन कीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जी कुछ इस तरह से लिंक हो जाएगा। तो ये तो मैं उठा उठा कर पिक करके रख रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आगे क्लासेस में समझाऊंगा।
ओके जी इस तरह से, ठीक है। जी अब यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं, सेव कर देता हूं फॉर्म 1 के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर बटन वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इसको इग्नोर रखते हैं। फिर आता है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म में क्या होता है कि जैसे डिजाइन फॉर्म है ना, उसमें से ब्लैंक फॉर्म आ जाता है। ब्लैंक फॉर्म में भी आपने फील्ड को उठा कर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि फील्ड जो रखेगा एक सिक्वेंस, आप जैसे कहीं भी नहीं रख सकते आप, वो सीरियल नंबर से ही रखाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां से मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो पूरा छोटा बड़ा होगा, मतलब कि जो भी हमारा ये है ना, नीचे भी है और नीचे भी छोटा हो। तो नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं ना, समझिए उसी तरह का फॉर्म है, लेकिन यहाँ आपको मनमानी करने का नहीं होता है कि मोबाइल नंबर से मैं यहाँ रखा तो ये इतना ही बड़ा आ रहा है, दिख रहा है, इतना ही बड़ा आ रहा है, समझे, दिख गया प्रॉब्लम क्या है। तो छोटा अगर करते हैं तो छोटा बड़ा ही होगा, और यहीं से आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। बस यही हुआ कि अपना सिक्वेंस इसमें फॉर्म में सिक्वेंस नहीं था पहले वाले फॉर्म में, बट इसमें सिक्वेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं कि मेरा कौन सा कहाँ होना चाहिए, ठीक है। बाकी बटन वगैरह सब डिजाइन यहाँ भी कर सकते हैं आप, ओके। तो ब्लैंक फॉर्म समझ में आ गया। ब्लैंक फॉर्म की बात है फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिजाइन विजाइन करने में अगर दिक्कत हो रही है तो यहीं पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं आप, भाई कौन सा टेबल पे फॉर्म बनाना है, तो डीटी पे बनाना है, आईडी चाहिए, उस नेम सिटी चाहिए, उसका सीक्वेंस आपने यहां से डिसाइड कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया हमने, कौन सा चाहिए, कॉर्नर चाहिए, टेबलर चाहिए या जस्ट फील्ड चाहिए, ये अलग अलग फील्ड का आपका डेटा है, जैसा रखना चाहते हैं वैसा रखिए। नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए फिनिश। देखिए बन गया सर, अपने ठीक है। तो फॉर्म विजार्ड से भी फॉर्म बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है नेविगेशन। तो इसमें जैसे कि हॉरिजॉन्टल टैब में आप इस तरह से अपना अलग अलग फॉर्म यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन फॉर्म में आप नेविगेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे फलाना फॉर्म हो या कुछ और हो, ठीक है, ठीक है सर। तो एक ही टैब में कई सारे फॉर्म उठा के आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, कई सारे फॉर्म रख सकता हूँ। ठीक है, ये नेविगेशन फॉर्म होता है। नेविगेशन फॉर्म पे आप ये भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, फील्ड भी डाल सकते हैं और पूरी की पूरी फॉर्म डाल सकते हैं। अब इसमें नेविगेशन फॉर्म में अलग अलग वर्टिकल टैब रेड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा, समझ गया ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर डीटी उठाकर रख दिया तो देखिए आ गया, डीटी आ गया। और एक ही फॉर्म में कई सारे आप रख सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बटन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक वो है। बटन क्रिएट हो यहाँ गया, डीटी पे जाना था, हाँ डीटी क्लिक करो, डीटी वन पे जाना था, डीटी वन पे हाँ क्लिक करो। हाँ इस तरह से हम अब इसको क्लोज करते हैं, तो एक यहाँ पे सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे नेविगेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म था आपका, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म है। लेकिन इस नेविगेशन फॉर्म के अंदर देखिए एक ही फॉर्म में कई फॉर्म है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म मिलेगा, इस पे क्लिक करेगा अलग अलग, ठीक है सर। इस तरह से हम नेविगेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन फॉर्म समझ में आ गया। और ये नेविगेशन वो है कि अलग अलग डिजाइन है कि भाई आपका जो लिस्ट है, जो हाइपरलिंक जिस पे लगेगा, वो कहाँ कहाँ आप रखना चाहते हैं, किस साइड में किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है मोर फॉर्म। मोर फॉर्म में से मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम में क्या होगा कि यहाँ अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ टेबल उठा कर रख सकते हैं पूरी की, नहीं कोई टेबल नहीं उठा सकते, एक एक आइटम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा टेबल की तरह दिखेगा आपको सर, समझे। तो जैसे मैंने नेम उठा कर रखा, मैं सिटी उठा कर रखता हूँ, तो आप यहाँ देखिएगा कि सिटी का पूरा आएगा, यहाँ देखिए दिख रहा है सर, समझे।
इसे क्या होगा कि हम सेव करते हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है, यही पे पूरा डेटा आप देख सकते हैं आप मल्टीपल आइटम में। डेटा शीट में, डेटा शीट में क्या होगा कि पूरी की पूरी फॉर्म टेबल की तरह दिखेगी, फॉर्म रहेगी पर टेबल की तरह हाँ, दिखाएंगे टेबल जैसे। जी। उसके बाद यहाँ अगर हम क्रिएट में आते हैं तो यहाँ पे डेटा में स्प्लिट फॉर्म, उसमें क्या होगा कि जो फॉर्म आप बना जिस जिसको मैं सिलेक्ट करके फॉर्म बनाया वो फॉर्म और डेटा दोनों साथ साथ दिखे, ठीक फॉर्म और टेबल दोनों। है सर। फॉर्म और डेटा, उसे मान लीजिए कि मुझे अगर डीटी के ऊपर बनाना है चाहे डेटा के ऊपर बनाना है, राइट, तो डेटा जी। में देखिए डेटा, डेटा है ना इसके ऊपर बनाना है, इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा स्प्लिट फॉर्म, ठीक है सर। अब यहाँ पे डिजाइन वाइन जो करना हम कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा मुझे दिखेगा और यहाँ ऊपर मुझे डेटा एंट्री होगी, तो डेटा एंट्री भी करते जाएगी और डेटा भी आप देखते जाएंगे, नीचे कैसा दिख रहा है? हाँ, वो दोनों दिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक आता है आपका, वो आता है मोडल डायलॉग। हालांकि देखिए मोडल डायलॉग जो है उसका यूज मैंने खास नहीं किया है, मैंने बताऊंगा, मैंने बोलूंगा कि हाँ इसको मैंने बहुत यूज किया है, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्म वगैरह भी रख सकते हैं, तो मॉडल डायलॉग यूज मैंने ज्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ इसमें आप फॉर्म के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं, डिजाइन फॉर्म के साथ इसका एक तरह से यूज किया जाता है, डिजाइन फॉर्म की तरह समझिए ना कि आप यहाँ पे ओके और कैंसिल का बटन ऑटोमेटिक मिल जाता है और जो फील्ड आप यहाँ उठा कर रखना चाहे वो फील्ड आप यहाँ रख सकते। इसका यूज मैंने नहीं किया है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, हाँ लेकिन बोलेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा खोज लूंगा, ठीक है। तो फॉर्म के बारे में समझ में आ गया। जी अब मुझे क्या करें, सारे फॉर्म पे एक ही फॉर्म बना के दिखाएं, ठीक है सर, और जी फॉर्म के अंदर जो बटन्स है वो बटन भी लगा के दिखाएं, फिर हम कल डिजाइन फॉर्म के बारे में बात करें। ठीक है सर, ठीक है।